हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ हिमांशी और ये है हमारे साथ आपकी सारा। आपकी सारा तो सारा जी हम आप सारा जी आज हम क्या लेकर आए हैं? क्या लेकर आए? मैं तो भूल गई। आज हम आपके लेकर आए हैं प्यार के पंचनामा जो फिल्म है उसका एक छोटा सा कॉमेडियन सीन लेकर आए हैं जो काफी ही आपको हंसाने वाला है। क्योंकि यार इमोशनल वीडियो ना सच में मुझे तो वैसे अच्छी तो लगती है इमोशनल वीडियो, लेकिन रोने भी रोने वाली शक्ल ना मेरी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं हंसती भी अच्छी लगती हूँ। तो आज हमने सोचा कि कुछ कॉमेडी शॉमेडी दिखाते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। क्या है इस वीडियो में खास? इधर नेहा के साथ क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? वो आई थी सुबह। क्या बोली? यही कि तू बात नहीं कर रहा है। नॉल क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज़ शी सेड दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ फूल दूं। छह महीने में हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, कह की खुशियां? रिलेशनशिप का मतलब ही होता है इनटू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़की को ना कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, ना कारा हो, ना पुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली तुम तो बैटमैन बन गए, अरे मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब साला ना कहानियों का दोष है। लड़की बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को दो दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। अरे शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुशन जाए फिर कर्टेन जाए, फिर कुशन कर्टेन से मैच नहीं किया तो और कुशन जाए। साले मग इतने हैं मेरे यहाँ कि उन्हें बेचने जाऊँ तो महीने का खर्चा निकला है। एक तो जो चीज खरीदने जाएंगे वो चीज खरीदते नहीं आएंगे, दो हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है टेबल लेना है, पांच घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी से चप्पल उठा के लाएंगे, और फिर अगले दो हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है बात समझना, दो मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे दो मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की दही इस मोबाइल फोन ने किए, कतई घटिया इन्वेंशन है साली, कॉन्स्पिरेसी पट्टा है साला पट्टा। एक तो उनके ऐड भी देखो ना, लो जी एक पैसे पर सेकंड, और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती, करने को फिर इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को? You've lost interest in me. तुम्हें हूँ हूँ ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। तुझे मैं बता रहा हूँ उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है, सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ। Wherever you go, we follow. तुझे क्या लगता है कुलम उसको पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया? नहीं, उसको पता था, वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा इंडिया जा रहा हूँ, नहीं तो 10 सवाल पूछती कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो? आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी SMS कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद SMS पे SMS शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में, दो SMS का रिप्लाई मत करना तुरंत फोन आएगा, फोन मत उठा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला ये आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते और ये बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते, बिकॉज़ दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। चलो ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी फिर भूखी सो जाएगी, अरे मैं कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ नौकरी छोड़ दूँ, फिर साले घर जाओ पहले इन्हें मनाओ इन्हें खिलाओ, इनके बाद खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। इस सब के बाद भी अगर इंसान किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठा हुआ है ना चुपचाप तो क्या घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूँ, क्या सोच रहा हूँ कैमरा लगा दूँ दिमाग में। इस सब के बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। मैं तुझे बता रहा हूँ यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज दे कॉल इट अ डिस्कशन बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में तो तू बॉस उनसे जीत ही नहीं सकता बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस इसी बेकार सी चीज की वजह से वो आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्ग्यूमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद, यहाँ साला याद भी नहीं होता है 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की, मुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से
अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो। तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी। सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर और मुद्दा ये रह जाएगा, हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी। किसने बनाया रूल, किसने? चलो वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें जूता फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो, सारा मुद्दा खत्म। वो सही तुम गलत। शादी के पहले वो नागिन मेन क्यों बचता है? क्यों बचता है? क्योंकि ना बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में। इनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब ये बता, वो क्या करने आई थी तेरे पास यार? सेम चीज मैं करूँ तो उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम गिनाऊ तो कहेगी, अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो? व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर? इट्स रिडिकुलस यार। उंगली वाला मेरे साथ भी हुआ। इन्होंने तो कसम से वोट लगा दिया लड़कियों की। अब इतनी भी कमियां नहीं होती है, लड़के नहीं देखेंगे अपनी साइड यार। आज मैं लड़की के साइड थोड़ी सी हूँ यार, ठीक है लड़की ऐसा करती है, लेकिन लड़के भी तो मतलब इतना करते हैं कि साथ में गर्लफ्रेंड के होते हैं देखते दूसरी को है। ये कितना गलत चीट करते हैं यार, हद हो गई। इतना तो सच में अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था इससे, सच में ज्यादा हो गया था। वैसे होती तो खैर लड़कियां ऐसी हैं, मैं वैसे लड़कियों की साइड नहीं हूँ, पर लड़के भी कम नहीं है यार। ये तो मानो ये तो हमेशा से ही कहते हैं, बिल्कुल साथ चल रहे हैं। मतलब कितनी भी ब्यूटीफुल बीवी हो, कितनी भी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड हो, वो ब्रा वाली को देख के ऐसे जरूर करेगा। अपनी अच्छी नहीं है क्या? यही आके सारी लड़ाई का मुद्दा शुरू हो जाता है। और वैसे तो अरे वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हिसाब है। बिजी लोग होते हैं ना बॉयफ्रेंड, वो तो बनाना नहीं चाहिए यार। हर आधे घंटे में तो आज भी चाहिए। ये तो गलत बात है, क्यों इतना कौन पकेगा? क्यों हर आधे घंटे में तो कम से कम लाइफ कराना चाहिए ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मतलब ये मतलब इजहार करने की जरूरत है कि वो तुमसे प्यार करता है। बताओ यार, बिलीव ही नहीं है मतलब। नहीं भाई, बार बार हर आधे घंटे हर एक घंटे बाद बताना चाहिए, गलत बात है, नहीं बताना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, नहीं बताना चाहिए। अरे अभी तो हम कह रहे थे ना कि हम पे प्यार यार में कोई मैं तो सोच रही थी मैं बोलूंगी, मुझे तो डायलॉग ही नहीं आ रहा है कि बात अटक गई कि मंस लड़कों के अंदर भी कमियां होती है ना। वैसे आप लोग भी ऐसे ही हो क्या? कमेंट करके बता देना। हाँ वैसे देखिए, मैं तो बिल्कुल जैसे ये लड़की है ना, आधी तो हूँ ऐसी, आधी तो हर लड़की है ऐसी, आधी तो आधी से ज्यादा भी समझ लो। बिल्कुल क्यों नहीं, कौन किया, कहाँ थे, कब थे? अरे भाई बेचारा तो सोचेगा कि सबको तो छोड़ के दूसरी, वो सोचेगा कि गर्लफ्रेंड चाहिए ही नहीं, सीधा बीवी काफी है। इतनी लविंग गर्लफ्रेंड अगर मिलेगी तो फिर कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी? वो कहेगा सीधा बीवी काफी है, क्योंकि शादी से पहले भी पको, शादी के बाद भी पको, इससे अच्छा फायदा क्या है? ये तो बिल्कुल नेगेटिव सोचती है ना बिल्कुल। चलो खैर आज के लिए बस इतना ही। और कैसे लगी आपको ये वीडियो? मुझे तो बहुत मजा आया, हिमांशु को भी बहुत मजा आया, क्योंकि हम लोगों ने तो पेट पकड़ लिया था, हम सोचे थे सिर्फ डायलॉग सुने यहाँ से। तो आई होप आपको भी मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए फिर कुछ खास। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, सारा खान बाय।